दिनों सरकारी स्कूल में स्टाफ तो आ रहा है लेकिन बच्चे नहीं हैं। ऐसे में विभागीय निर्देशों की पालना के अलावा कई स्कूलें खुद स्टाफ अपने स्कूलों को संवारने में लगे हुए हैं। ऐसा ही काम किया जा रहा है झुंझुनू के कोलासिया में। कोलासिया में संचालित श्री शिव नारायण खेदड़ राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में सभी अध्यापक व अध्यापिकाओं द्वारा विद्यालय परिसर में नियमित श्रमदान कर स्कूल की सूरत बदली जा रही है। प्रधानाचार्य जयप्रकाश सोहू ने बताया कि सभी स्टाफ सदस्यों ने विद्यालय परिषद को हरा भरा बनाने के लिए अशोक का पौधा लगाने एवं उसकी सुरक्षा करने का वादा किया। इस दौरान नरेंद्र दीवा, सुभाष चंद्र, सुमित्रा, सुमन, संजू, मोनिका, नेहा, श्रीकांत, राजेंद्र प्रसाद, मुकेश कुमार, महावीर प्रसाद, रश्मि, निर्मला, राजबाला आदि मौजूद थे। श्री शिवनारायण खेदड़ राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलसिया में आज समस्त स्टाफ ने जो विद्यालय परिसर में घास खड़ा था, अनावश्यक जो कंटीला घास था उसके लिए सभी साथियों ने सहर्ष इसकी खुदाई करने का निर्णय लिया और सभी ने तय दिल से इसको 3 दिन से कार्य सुचारू रूप से चला रहे हैं और आज युद्ध स्तर पर उन्होंने विद्यालय की सफाई की और ये कार्यक्रम इस कोरोना काल में इनकी तरफ से जारी रहेगा। विद्यालय परिसर में एक साइड में धूप का मैदान भी लगाया जा रहा है जिसमें प्रतिदिन श्री नरेंद्र जी छिपा द्वारा पानी दिया जाता है और थोड़े समय में विद्यालय परिवार की ओर से हर सदस्य की ओर से दो दो अशोक के वृक्ष लगाए जाएंगे और उनकी पूरे वर्ष देखभाल की जाएगी जिससे विद्यालय का पर्यावरण संरक्षित रहेगा और विद्यालय हरा भरा होगा, वातावरण अच्छा बनेगा। तो मैं आशा करता हूँ विद्यालय परिवार में इसी तरह का जोश क्रोश बना रहे।